हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राइटी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 13th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैंने क्वेश्चंस लिया है, AIPMT 2015 का क्वेश्चंस है, रीटेस्ट वाले पेपर का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन है भैया वो पॉलीमर वगैरह से, दूसरा क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर वगैरह से, तीसरा क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट वगैरह से, जो चौथा क्वेश्चन है वो है सॉलिड स्टेट से, और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये पांच टाइप के क्वेश्चन, पांच चैप्टर से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कैप्रोलेक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कैप्रोलेक्टम के बारे में, मतलब मैंने सारे ही मोनोमर्स कवर किए थे अपने CBSE के एक एपिसोड में। अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वो वीडियो देखते नहीं हो CBSE वाले, आप लोग समझते हो कि आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो आता है भैया नायलॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। हालांकि मैं बता दूं आपको चलो एक बार फिर से, तो जो टेरिलिन होता है, टेफ्लॉन होता है, नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 होता है, इन सब के अलग अलग मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो जो मोनोमर नायलॉन 6 के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है कैप्रोलेक्टम, टेफ्लॉन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग टेट्रा फ्लोरोइथीन, नायलॉन 6 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमिन प्लस एडिपिक एसिड, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सबका। तो मैंने CBSE वाले एक एपिसोड में मोनोमर्स को पिक किया था कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, उसमें मैंने सारे के सारे मोनोमर्स लिए थे, सारे के सारे लगभग मैंने आपको कवर करा दिए थे, जो एग्ज़ाम्स में JEE मेंस में और नीट में चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। और मैंने पूरा रटा दिया था वीडियो के अंदर ही कि आपको सारे के सारे मोनोमर्स वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, तो व्यूज़ काफ़ी कम आए उस वीडियो में भी। तो अगर आपको जानना है सारे के सारे मोनोमर्स आपको रटना है तो चले जाओ उस वीडियो में, बाकी तो कोई बात नहीं। डिक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी O2 O2 माइनस O2 2 माइनस इज, तो यहाँ पर आपको दे रखे चार ऑप्शन और आपको निकालना है इन सबके बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद मैं आपको मैं बता सकता हूँ एक चीज़ कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो इन सब में से कोई भी कंपैरिजन एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेबिलिटी पे पूछेगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और बॉन्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो, और फिर बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी उसको तोड़ने में दिक्कत होगा, इसलिए उसकी जो लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा करीब होगी, वो दोनों बहुत बहुत पास होंगे, उसको दूर करना मुश्किल होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा हाई होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा हाई होगा, और बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होगी, दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास पास रहेंगे, 2, 3, 4 जो भी हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, क्लोजनेस इतनी ज़्यादा रहेगी कि उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। और इसीलिए कहेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसका मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाई है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भैया O2 2 माइनस जो होता है वो होता है 18, फिर O2 माइनस होता है वो होता है 17, फिर जो O2 होता है वो होता है 16, और जो O2 प्लस होता है वो निकल के आता है भैया 15। तो मैंने ट्रिक बताया था डायरेक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिया आपने, अब आपको करना है 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, तो 14 में होता है कितना होता है 3, उसके बाद आपको 0.5 करके घटाते जाना है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर सब नीचे ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पर 2.5, ये हो जाएगा भैया 2, ये हो जाएगा भैया यहाँ पर 1.5, ये हो जाएगा भैया 1। अब यहाँ पर आप देख लो O2 प्लस O2 ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो थर्ड ऑप्शन है वो शायद O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो निकल के आता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम एन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ज़्यादा मतलब क्या, मोल ज़्यादा हो गए तो मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, तो आपको पता है कि वाटर की जो मास होती है वो कितनी होती है H2O, तो यहाँ पर निकल के आता है ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस 1 2, तो टोटल निकल के आ जाता है 18 ग्राम्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप डिवाइड करते रहो 18 के साथ में, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ में तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा भैया 1 मोल, उसी तरीके से यहाँ पर निकल के आ जाएगा भैया 0.1 मोल, और यहाँ पर 18 मॉलिक्यूल्स आपको ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर 18 मोल्स दे रखा है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट निकल के आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, क्योंकि 18 मोल्स ऑफ वाटर है और हर एक मोल में 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 18 से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बाकी के सारे नंबर्स इसके आसपास भी कहीं नहीं है। अब यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो निकल के आता है वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस यूनिट सेल इज, तो ये जो BCC लैटिस यूनिट सेल होता है ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, ये पता नहीं क्यों 4-5 दिन से यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, BCC निकल के आ रहा है, और इसको बेसिकली कुछ नहीं होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं सारे के सारे, और एक जो होता है वो सेंटर पे होता है, 8 हो गए कॉर्नर पे और एक जो होता है वो एकदम सेंटर पे होता है, ठीक है, और ये सारे के सारे एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है।
अब होता क्या है, डायगनल में टच करते हैं, मैंने बताया अभी था, क्वेश्चन भी लिया था, सी एस सी एल का मैंने क्रिस्टल लिया था, फिर सी एस को बीच में रखा था, सी एल को बाहर लिया था, आर सी एल सी एल प्लस प्लस आर सी एस माइनस वगैरह वगैरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब यहाँ पर वैकेंट स्पेस देखना है हम लोग को, तो जनरली क्या होता है ना, ये याद ही रहता है स्टूडेंट्स को, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो निकल के आती है इसके केस में 68%, तो उसको जब 100 से माइनस करेंगे हम लोग तो निकल के आता है वैकेंट स्पेस 32%। तो ये सबको जनरली याद ही होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। पहले तो आपको चेक करना है कि ये जो क्यूब है इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो निकल के आता है भैया ए क्यूब, क्योंकि इसका जो एज लेंथ है वो है ए, और क्योंकि ये क्यूब है तो ए इंटू ए इंटू ए यहाँ पर निकल के आता है वॉल्यूम ए क्यूब। अब हम लोग को देखना है कि ये जो टोटल वॉल्यूम है इसमें से कितना वॉल्यूम जो क्रिस्टल्स है, जो ये जो सर्कल्स है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम लोग को पहले तो देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो सर्कल्स है वो कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं। ऐसे तो दिख रहा है आपको 8 है बट एक्चुअल में सिर्फ 2 है, क्यों, क्योंकि एक जो है वो एकदम सर्कल के अंदर है तो वो पूरा पूरा उसके अंदर ही है, लेकिन जो बाकी सब है वो अपना 1/8 एरिया शेयर कर रहे हैं, तो 8 इंटू टोटल 9 है वैसे, तो कॉर्नर्स में 8 है तो 8 इंटू 1/8 हो जाता है 1। तो ये जितने भी कॉर्नर्स में है ना ये सिर्फ अपना 1/8 एरिया कवर कर रहे हैं एक एक अंदर में, तो ऐसे 8 है तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा 1, और एक जो सेंटर में है वो पूरा का पूरा अपना वॉल्यूम अंदर ही कवर कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो 1 प्लस 1 हो जाता है 2, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं यहाँ पर, हो जाते हैं 2। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से, जो कि निकल के आ जाता है एक स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आर है और यहाँ पर ए है, और हम लोग को किसी एक को यहाँ पर रिप्लेस करना है दूसरे से, और फिर डिवाइड लगा के हम लोग को इंटू 100 करके परसेंटेज निकालना है। अब रिलेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लोग डायगनल को यूज़ करते हैं, तो जब हम लोग डायगनल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो डायगनल का लेंथ है वो निकल के आता है √3a, और यहाँ पर जो रेडियस के कंपैरिजन से हम लोग करेंगे काम, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा सेंटर के लिए डायमीटर पूरा का पूरा, मतलब कि बेसिकली मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये होता है ऐसा, और बीच में हो जाता है सर्कल ऐसा, और ये जो तीनों होते हैं ना ये एक दूसरे से टच करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसके वजह से 2r मतलब डायमीटर, और इसके वजह से 1r, इसके वजह से 1r, तो टोटल निकल के आ गया 2r प्लस r प्लस r 4r। 4r को इक्वेट करते हैं हम लोग √3a के साथ में, 4r को इक्वेट करेंगे √3a के साथ में, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा r का वैल्यू मिल जाएगा √3/4 टाइम्स a। अब इस r के वैल्यू √3/4 टाइम्स a को आप यहाँ पुट कर लो तो आपका क्या होगा, a क्यूब और a क्यूब कैंसिल निकल के आ जाएगा, बाकी जो भी आप सॉल्व करोगे इनटू 100 कर लेना, आपको शायद आंसर मिल जाएगा 68%। तो ये तो निकल के आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बाद में आपको 100 से माइनस करना है, तो आपको जो करेक्ट आंसर है वैकेंट स्पेसेस का, मतलब खाली कितना रहा, ये तो रहा कि कितना है, अब खाली कितना रहा उसको 100 से माइनस करोगे आप तो आपका शायद काम बन के आ जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स बी इज 0.6 इंटरेस्ट पर -3 मोल पर सेकंड, ठीक है, रेट कांस्टेंट है मोल पर सेकंड, तो पहले तो जनरल एक रिएक्शन लिखो, रेट लॉ लिखो, आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर एन। ये क्या होता है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जिसमें ये होता है रेट, ये होता है रेट कांस्टेंट, ये होता है कंसंट्रेशन, और ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, 1 है, 2 है, 0 है, क्या है। तो यहाँ पर चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम लोग को चेक करना है इसका यूनिट। ये यूनिट हमेशा यहाँ पर एक हिंट होता है कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ये यूनिट बहुत सारे बच्चे लोग खोज नहीं पाते, इसलिए जो आंसर है वो आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, जो रेट है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोलारिटी है ना, ये बेसिकली क्या होता है, मोलारिटी मतलब मोल्स अपॉन टाइम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय टाइम, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा के, और ये कितना हो जाएगा, ये भी वही चीज़ हो जाएगा, मोल्स बाय टाइम और पावर में एन, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स बी इज इतना मोल पर सेकंड, यहाँ पर कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है, ये जो है रेट कांस्टेंट, इसकी जो यूनिट है वो है मोल पर सेकंड, ठीक है, मतलब मोल पर टाइम, जो भी सेकंड टाइम जो भी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो मोल पर सेकंड के बराबर आएगा ना, क्योंकि जो रेट है, रेट का जो यूनिट है वो है मोल पर सेकंड, और यहाँ पर मतलब इसका भी जो यूनिट है वो है मोल पर सेकंड टू द पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली कितना हो जाएगा, मोल पर सेकंड 1 - n हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि इसका जो यूनिट है, के का जो यूनिट है वो मोल पर सेकंड ही है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसका मतलब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, मतलब ए का जो पावर है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो पावर है वो कितना निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है।
इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा आर इक्वल्स टू के में, और आर इक्वल्स टू के तो रेट को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के, माइनस साइन वगैरह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के हो गया, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू के इंटू टी आ जाएगा, इंटीग्रेट वगैरह कर लेना, तो बेसिकली यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू के इंटू टी आ जाएगा। हम लोग को निकालना है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स निकालना मतलब इनिशियली कितना था 5 और 20 मिनट के बाद निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर 20 × 60 सेकेंड्स, और यहाँ पर के का वैल्यू कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴ ये हो जाएगा हमारा चेंज इन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पार में आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 12 × 6 हो जाएगा 72, तो ये निकल के आ जाएगा भैया 0.72। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने का है कि यार यहाँ पर ए का जो कंसेंट्रेशन है वो 5 मोलर कह रहा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ बी हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज इन कंसेंट्रेशन है वो कितना आया, 0.72 आया, ठीक है। अब ए का कंसेंट्रेशन पूछा होता अगर तो हम लोग को 5 में से 0.72 को हटा के आंसर मार्क करना पड़ता, बट यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ पर जितना चेंज मतलब बेसिकली यहाँ से जितना निकला बी में उतना ही फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.72। अगर कभी ए का कंसेंट्रेशन पूछता कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 20 मिनट्स, तो आपको इनिशियल में से यहाँ पर माइनस करना पड़ता, तो आपको पता चलता कि अच्छा ये इतना इतना पहले था, इतना चेंज हुआ है, तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट निकल के आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा, आपने से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए।